दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भक्त जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रहे। पहला, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की है, जिसमें एक पंक्ति है, तुलसीदास सदा हरिचेरा। उस पंक्ति में आपको तुलसीदास जी के नाम की जगह अपना नाम बोलना चाहिए। तीसरा, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हरे राम 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 हरे हरे का 7 बार जाप करना चाहिए। चौथा, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इन सावधानियों को बरतने से हनुमान जी अपने भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।